आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ धरना दे रहे शिक्षक निलंबित। गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाकर सुनी गई जन समस्याएं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्री पीएचडी छात्रों द्वारा आज 13वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत द्वारा गोरखपुर में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर मातृ सम्मेलन का किया गया आयोजन। और बीजेपी द्वारा आगामी 26 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा रैली की तैयारी बैठक हुई संपन्न। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कुलपति राजेश सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक भवन पर सत्याग्रह पर बैठे हिंदी विभाग के प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही अन्य शिक्षकों के साथ ही पूर्व शिक्षक भी उनके समर्थन में आ गए। इतना ही नहीं, पूर्व छात्र नेता एवं वर्तमान छात्र नेता भी इस सत्याग्रह में शामिल हो गए। इस संदर्भ में शिक्षकों और छात्र नेताओं का कहना है कि कुलपति के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। आरोपों की छानबीन होगी, उसमें तीन सदस्यीय समिति बनी हुई है और उनके खिलाफ अगर आरोपों की जांच होनी है तो उन्होंने जिसके खिलाफ आरोप लगाए उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्य प्रश्न तो यही है ना कि अगर उनकी जांच हो रही तो उन्होंने जिस पे आरोप लगाए उसकी भी जांच हो। आरोप लगाने पे कैसा आरोप लगेगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कमलेश गुप्ता सर का चरित्र वास्तविक में एक नैतिक चरित्र है, विश्वविद्यालय के लिए एक आदर्श है। हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा पाते हैं, उनकी नैतिकता हम लोग सीखते हैं, उनके व्यक्तित्व से वो नैतिकता दिखती है। उन्होंने इस कुलपत की जो गुंडई है, जो तानाशाही है, जो इसके भ्रष्टाचार हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और मैं मानता हूँ छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मेरा नैतिक धर्म भी है कि हमारे अभिभावक का जब भी कोई प्रताड़ना होगा या जब भी कोई तानाशाही उस पर थोपी जाएगी तो हम ही सभी छात्र ऐसे गुरुजनों के साथ खड़े दिखेंगे। ताकि समस्याओं का अधिक से अधिक निस्तारण हो सके, इसके लिए गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक बुधवार पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी गयी। कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कप्तान विपिन टांडा ने गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खोनीपुर इलाके में चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो, यही पुलिस का प्रयास है। पति पत्नी के विवाद हो गए, भाइयों भाइयों के विवाद हो गए, कई बार आपने देखा भाइयों के प्रमोट किए जाने सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष धरना दे रहे 2019-20 के प्री पीएचडी के छात्रों का धरना आज 13वें दिन भी जारी रहा। धरनारत छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 7 और 9 को परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, लेकिन ये छात्रों को भ्रमित करने के लिए है क्योंकि इसमें समय नहीं बताया गया है। इसके साथ ही छात्रों ने ये भी कहा कि हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि कुलपति को हटाया नहीं जाता और हम लोगों ने कल विश्वविद्यालय में पठन पाठन बंद रखने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा की तिथि की संभावित घोषणा की गई है, वो कंफर्म डेट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि परीक्षा का जो पैटर्न है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। कुलपति जबरदस्ती अपने तरीके का परीक्षा पैटर्न थोपने का प्रयास कर रहे हैं और जबकि शोधार्थी 2018 के ऑर्डिनेंस से जो पैटर्न तैयार होता है उसकी मांग कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। 7 और 9 का एक भ्रमित डेट इन्होंने दिया है। जब भी कोई एग्जाम होता है तो 10 से 15 दिन पहले ही उसकी डेट शीट आ जाती है जिसमें टाइम टेबल लिखा होता है वो कितने से कितने बजे तक आप आएँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एडमिट कार्ड की भी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो चीजें अभी भ्रमित करने के लिए डेट इन्होंने निकाल दिया है कि हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय बालिका शिक्षा संयोजक विद्या भारती की रेखा चूड़ासमा और मुख्य वक्ता के रूप में उज्जैन से आए समर्थ शिशुराम कथाकार पंडित श्याम जी मनावत मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के इस सम्मेलन में बच्चों की परवरिश को लेकर चर्चा हुई। काश आपको हम नियमित सुन पाते। दौड़ पड़ता है लंगड़ा भी वहाँ, दौड़ पड़ता है लंगड़ा भी वहाँ, जहाँ आप जैसा कोई मार्गदर्शक मिल जाता है। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में आज शिशु वाटिका से 12वीं तक बच्चों की माताओं का मातृ सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ। उसमें मूल रूप से आज की मातृशक्ति अपनी जो बालकों की परवरिश और बालकों की जो अवेयरनेस है वो अलग प्रकार की हो रही है, जिस प्रकार की होनी चाहिए उसकी दृष्टि देने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने करा है। जनता पार्टी द्वारा आगामी 26 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा गोरखपुर के टाउन हॉल से निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी बैठक आज महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में समस्त बीजेपी के पार्षदों ने हिस्सा लिया, जिन्हें जन विश्वास यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। बलिया जनपद के 6 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव स्थगित होने के बाद अभी तक छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। ताजा मामला जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित SC कॉलेज के समीप का है, जहां छात्रों ने BJP के प्रचार वाहन पर पत्थरबाजी कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया। गनीमत यह रहा कि छात्रों द्वारा की गई पत्थरबाजी में कोई हताहत नहीं हुआ और प्रचार वाहन का ड्राइवर समय रहते अपने वाहन को लेकर वहां से भाग गया। जनपद के फिफना विधानसभा में आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिविर में भारत सरकार के राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी द्वारा सैकड़ों दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर सहित अन्य कई उपकरणों का वितरण किया गया। ऐसे बात करते हुए राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के सवाल पर बोला कि बाल विवाह के बढ़ते संख्या और लड़कियों में बढ़ती बीमारी को देखते हुए मेडिकल एडवाइजर के सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। ट्राई साइकिल चाहिए, बैसाखी की जरूरत है बैसाखी चाहिए, व्हील चेयर की जरूरत है व्हील चेयर चाहिए। और यू मेट नो हाउ द मोदी इज वर्किंग फॉर द नेशन, हाउ द इज योगी इज वर्किंग फॉर द नेशन। सिंस सो मेनी इयर्स वी सीन दैट यूपी इज हाउ इट वाज अंडर डेवलप्ड, देयर इज नो डेवलपमेंट एट ऑल इन यूपी। नाउ यू सी the airports, you will see that Amul Dairy, you will see how the Kashi is developing. You will see that Ganga is developing, how the national highways are developing, how the express highways are developing. You will see all these things in the Uttar Pradesh, you know. घटना के आशकांक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।